टोटल हम लोग 17 साथी को पुलिस ने उठा लिया एक बाइक। खाना पीना नहीं दिया गया, पानी दिया गया, खाना नहीं दिया गया। अब रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार ने मजबूर कर दिया है। हम लोग एकदम रोड पर आ गए हैं। हम लोग 30 साल से सहारा में काम कर रहे थे, 30 साल से आज बेरोजगार हो रहे हैं। घर के लिए पैसा, पैसा के लिए बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है पैसा के चलते। शॉर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर के पास। आपको बता दें कि 28 तारीख को सहारा के खिलाफ लोग लखनऊ पहुंचे थे और काफ़ी ज़ोर शोर पे प्रदर्शन रहा था। लगातार मांग कर रहे थे कि उनका पैसा उन्हें वापस मिले। अब लखनऊ से लोग वापस आ चुके हैं, उनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम जयप्रकाश दुबे हुआ। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लखनऊ गए, कुछ हुआ? हाँ, लखनऊ हम 26 तारीख को ही चल गए थे। 28 तारीख का घेराव था, हमको पहले ही बुला लिया गया था कि आप पहले ही आ जाइए अपने साथियों के साथ और आगे की रणनीति 28 तारीख के लिए तय कीजिए, जिसमें कि 27 तारीख के रात में हमको पुलिस ने होटल से ही उठा लिया। हमारे 4-5 साथी थे पटना के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ उत्तर प्रदेश के। टोटल हम लोग 17 साथी को पुलिस ने उठा लिया एक बाइक। और हम लोग पूछे कि भाई आप वर्दी में, आप पुलिस वाले हैं कि कौन है? हम लोग अड़ गए उनके साथ। अंत में वो लोग आई कार्ड दिखाए कि नहीं, हम लोग पुलिस वाले ही हैं, हम लोग सुब्रत राय के भेजे हुए गुंडे नहीं हैं। हम लोग को उठा करके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के जो जवान रहते हैं वहाँ पर हम लोग को रख दिया गया कि आप लोग पंखा के नीचे आराम कीजिए, और हम लोग को नज़रबंद कर लिया गया। कोई बदसलूकी भी हुई? बदसलूकी तो नहीं हुई, लेकिन खाना पीना नहीं दिया गया, पानी दिया गया, खाना नहीं दिया गया। हम लोग करीब 15-16 घंटा उपासे ही हम लोग रहे, हम लोग को खाना नहीं दिया गया। हम लोग को माने जब हमारी साथी लोग जब 10 बजे का प्रोग्राम था, 10 बजे जब रोड पर उतरने लगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पकड़े नहीं गए थे, बच गए थे, वो अपना मोबाइल बंद कर लिए थे। तो जब 10 बजे हमारे साथी लोग रोड पर उतरने लगे, जब लखनऊ का घेराव करने लगे, तो समझिए कि माने हम लोग के लिए दबाव बढ़ने लगा कि हमारे साथी गिरफ्तार हो गए हैं, कहाँ हैं, किस तरह से हैं। तो समझिए कि हम लोग को 2 बजे दिन में जा कर के छोड़ा गया, और इसके बाद जो है 2:30 या 3 बजे के लमसम हम लोग को इको पार्क ले गया गया, जहाँ कि हमारे पूरे साथी मौजूद थे। और आंदोलन लगभग माने दिन वाला रोड वाला आंदोलन लगभग समाप्त हो चुका था, हम नहीं उसमें भाग ले पाए। और उसके बाद जब इको गार्डन में गए तो वहाँ जो हुआ इसके बाद उसमें हम भाग लिए। हम आरे सवालों का जवाब देने के लिए कुछ लीगल एडवाइज़र सहारा के तरफ से आए, जो कि सही जवाब नहीं दिए। वो पुराना ही गीत गा रहे थे, सहारा से भी, सहारा से भी, अस्पष्ट जवाब नहीं दिए। लेकिन हम लोग के धरना से वहाँ के सरकार और केंद्र सरकार और वहाँ के प्रशासन के नाक में दम हो गया। हमारे हजारों हजार साथियों को बंधक बनाया गया था, इसमें कितने बस पकड़ लिए गए उत्तर प्रदेश में घुसते के साथ ही कि आप लखनऊ नहीं जा सकते हैं। प्लेटफार्म से कितने हमारे साथियों को उठा लिया गया था कि आप धरना नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद भी हमारे साथी बहुत ज़्यादा की संख्या में पहुंच करके अपना प्रदर्शन किए, तिरंगा यात्रा किए, राष्ट्रीय गान किए। तो क्या लगता है अब क्या होगा? पैसा तो आप लोगों को फिर नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन ही मिला। मैं दीपक कुमार, अभी तो जब हम लोग लखनऊ से आए हैं तो वहाँ आश्वासन कुछ नहीं मिला। वहाँ लीगल एडवाइज़र आए थे, वो अपना गीत 2012 वाला ही गा रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग जब पटना आए हैं तो सहारा के प्रबंधक की तरफ से बार बार फ़ोन करके धमकाया भी जा रहा है, और वहाँ से नोटिस भी जारी किया गया है, लीगल अपना पेपर भी जारी किया है कि जो लोग लखनऊ पहुँचे थे वो लोग भाड़ा पे गए थे, भाड़ा पे गया था और 10% 20% ले के भुगतान किया। तो मैं अपने जो जज महोदय हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करूंगा कि वो काम हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग तो किसी से 1 रुपया लेते नहीं है, रहा भुगतान तो मैं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो सारा अकाउंट नंबर उनके पास ब्यौरा दिया गया है, वो डायरेक्ट पार्टी के अकाउंट में पेमेंट करें, जिससे ये किसी भी प्रकार का टिप्पणी टिप्पणी नहीं हो कि गरीब जनता को पेमेंट मिले। अभी हाल फिलहाल में एक मेरे घर का बगल का विधवा सुसाइड कर ली, उसकी बच्ची का शादी था, उसका पेमेंट नहीं मिला है। कभी सहारा में पैसा? सहारा में पैसा था 3 लाख रुपया। देखिए लखनऊ गए, बहुत कुछ हुआ, बट अब अगला कदम क्या होगा? आश्वासन तो मिल गया। आश्वासन कहिए कि कुछ नहीं मिला। मेन चीज़ है कि अभी भी मुद्दा वही है कि पेमेंट की प्रक्रिया पर। इसके चलते ये चीज़ ज़रूर हुआ है कि इस लखनऊ कांड के बाद पूरे देश में हर जगह हंगामा शुरू हो गया है। बहुत जगह जोन में बंद कराया जा रहा है, यहाँ तक कह के कि जब तक पैसा लेके नहीं आइएगा
जोन मत खोलिए, पैसा लेके आइए, पेमेंट लेके आइए, जोन खोलिए या ब्रांच खोलिए चाहे रीजन खोलिए। तो धीरे धीरे ये मुहिम अपना पकड़ेगी, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों पर हम लोगों की जीत जरूर होगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से। प्रदर्शन के बाद सहारा की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी की गई। हाँ, प्रदर्शन के बाद सहारा से एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें उनका पेमेंट संबंधित कोई भी बयान नहीं था, पर ये उनको बताना था कि जो लोग शामिल हो रहे हैं वो गलत हैं और आप लोगों को गलत तरीके से पैसे लेके पेमेंट करवा रहे हैं। अगर पेमेंट करवा रहे हैं इसका मतलब कि प्रबंधन पैसा दे रहा है तब ना पेमेंट करवा रहे हैं। पहले तो प्रबंधन पैसा ही नहीं दे रहा तो पेमेंट कहाँ से कराएंगे। तो जब पेमेंट होगा तो वो डायरेक्ट सही बात है कि अकाउंट में ही डालें। आज के डेट में हर कोई जान रहा है कि भाई बैंक अकाउंट लेना है, सारा चीज़ का प्रोसेस करना है, पेमेंट डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में करें, हम लोग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला कदम अब क्या होगा आप लोगों का? सारा बात का एक ही निचोड़ निकल करके आ रहा है कि शासन प्रशासन के अंगुली पर नचा रहा है सुब्रत राय, और ये सुब्रत राय भूल गया है कि जैसे मतलब कि रावण का घमंड चूर हुआ था, रावण देवता पर विजय प्राप्त करके ये सोचने लगा था कि हम अमर हो गए, उसी तरह सुब्रत राय पैसे के नशे में चूर हो करके ये समझ रहा है कि पूरा देशवासी का पैसा हम सरकार के को मिला करके और प्रशासन को मिला करके हम हड़प जाएंगे। तो ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग सबको जागरूक करेंगे, अब रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार ने मजबूर कर दिया है, लखनऊ प्रशासन के द्वारा हम लोग को इस तरह से मजबूर किया गया कि हम लोग अब खुल करके दिल्ली की ओर कूच करें और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इस सारा सच्चाई को से अवगत कराएं और आंदोलन का रूप दें। अब डायरेक्ट जो है अब सीधा बात होगी, अब सीधा बात होगी सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार से, क्योंकि नीचे कोई सुनने वाला नहीं है। सब सगर मायने सुप्रीम कोर्ट सुब्रत राय जो है अपने बलबूते पर, मैंने अपने पैसे के बलबूते पर सबको कानून को उंगली पर नचा रहा है और लोगों को भ्रमित कर रहा है, लेटर निकाल करके लेटर जारी करके लोगों को भ्रमित कर रहा है कि लोग पैसा लेकर के परसेंटेज लेकर के भुगतान करवा रहे हैं। तो ये हम क्यों करावें? आप भुगतान देना शुरू कीजिए, आपके यहाँ जमा करता जाएगा, हम क्यों करें वो आपका काम? आप भुगतान देना चालू करो, जमा करता आपसे पैसा मांग रही है। सही बात। लखनऊ गए आप लोग, डर नहीं लगा कि पीछे परिवार का क्या होगा अगर कुछ होता है तो? डर क्यों, क्यों क्यों डर किस लिए होगा? जो भी काम कर रहे हैं हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं, अपने के लिए कर रहे हैं। बहुत परेशानी है, बहुत ऐसा इतना परेशानी है कि कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं के शब्दों शब्द नहीं है। घर में घर के रिलेशन का सारा पैसा है, हमारे खुद भाभी का है जिनका हाथ कट गया है, उनका MIS में पैसा है, अभी तक नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशानी है। इतना मतलब सहारा ही के भरोसे हैं कि अगर कुछ पैसा मिलता है तो कुछ? बिल्कुल, हम लोग दम रोड पर आ गए हैं, हम लोग बस 30 साल से सहारा में काम कर रहे थे, 30 साल से आज बेरोजगार हो रहे हैं, घर के लिए पैसा पैसा के लिए, बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है पैसा के चलते, बहुत परेशानी है, मैंने शब्द नहीं है हम बयान कर सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ सहारा के निवेशक थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पास शब्द नहीं है कि बयान कर सके अपनी तकलीफें। हालांकि सबको पीछे छोड़ के लखनऊ गए थे, अब यहाँ तक ये भी मतलब डर नहीं था इनको कि अगर पीठ पीछे कुछ होता है इनको होता है तो इनके परिवार का क्या होगा। फिर भी हिम्मत करके, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की इनकी जमा पूंजी जो है वहाँ जमा है, इस वजह से ये गए कि कुछ पैसे निकल जाएं तो अपना परिवार चला सके। सारे सहारा के निवेशक हैं, अब इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो अब आर पार की लड़ाई होगी। अब देखना ये है कि ये लोग अगला कदम कब उठाते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।